नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेक्निक इंदौर। दोस्तों आज इसके इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी जो है बैंक ऑफ इंडिया की ऐप चलाते हैं BOI और अगर आपका जो है पासवर्ड और ट्रांजेक्शन ID आप जो भूल गए तो आप उस किस प्रकार से उसे रिसेट कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है आपको BOI ऐप ओपन करनी है। ध्यान रहे कि आपका जो मोबाइल में है रिचार्ज होना चाहिए उस सिम में जो कि बैंक से अटैच है। तो यहाँ पर BOI ऐप जो है मैं ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये ऐप अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम सेटअप कर रहे हैं तो ये इसको कैसे सेटअप करना है उसका जो वीडियो आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे अब यहाँ पर जो है हम ऐप ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो है लॉगिन ID और पासवर्ड, तो जो आपने पहले इसकी जो है ID बनाई थी उसका पासवर्ड है, वो पासवर्ड यहाँ पर आपने जो है डाला था वो डालकर देखिए। अगर आपको जो है ये गलत बता रहा है तो आप किस प्रकार से रिसेट करते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसे हम लॉगिन करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो योर अकाउंट हैज़ बिन लॉक्ड, क्योंकि हमने 3 बार से ज़्यादा गलत पिन डाल दिया इसलिए हमारा खाता हमने लॉक कर दिया। तो जो है इससे हमको रिसेट करना रहता है। तो सबसे पहले आपको फॉरगेट पिन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप फॉरगेट पिन पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली जो है एक OTP आएगा और यहाँ पर आपको उसे वेरीफाई कर देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो है आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड मांगेगा ये। तो यहाँ पर जब जिस टाइम आपने ID बनाई थी उस टाइम जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड थे वो आपको यहाँ पर डालना है। अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नीचे फॉरगेट पर क्लिक कर देना है। फॉरगेट ट्रांजेक्शन पासवर्ड पर जैसे आप क्लिक करोगे तो जो है आपको यहाँ पर आपके ATM की पूरी डिटेल्स यहाँ पर डालना होती है। तो जो है ATM के पूरे नंबर और जो है एक्सपायरी डेट और जो है आपका जो ATM का पिन है ये सभी यहाँ पर आपको डालना है। दोस्तों जो वीडियो में स्क्रीन रिकॉर्डिंग में नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जो है बैंक द्वारा इसकी जो अनुमति नहीं है कि आप जो है ऐप की जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सके, तो इसलिए मैंने इसको जो है दूसरे मोबाइल से यहाँ पर इसको कैमरे से रिकॉर्ड किया है। तो दोस्तों उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पर अगर आपने पूरी डिटेल डाल दी तो आपको जो है ATM पिन डाल देना है एक बार और। तो ATM पिन जैसे आप यहाँ पर डालते हो तो जो है 4 नंबर का यहाँ पर ATM पिन डालना है आपको। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप नीचे एरो देख रहे हो तो यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर देना है, नहीं तो फिर आपको जो है बैक बटन से आकर यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। तो आप जैसे वेरीफाई करोगे जो है एक OTP फिर से आएगा और ऑटोमेटिकली OTP यहाँ पर जाने के बाद में वेरीफाई करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको जो है ट्रांजेक्शन ID नया बनाना है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रांजेक्शन ID में ध्यान रखें कि जैसे एक जैसे नंबर नहीं होना चाहिए या फिर सीरियल 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं होना चाहिए। ट्रांजेक्शन ID ऐसे होना चाहिए नाम उसके बाद में @ करके 1 2 3 4 5 इस प्रकार की जो है कुछ ट्रांजेक्शन ID होना चाहिए तो यहाँ पर वो लेगा। तो जैसे कि यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर आप देख रहे हो सभी ग्रीन हो चुके हैं, मतलब पासवर्ड यहाँ पर सिक्योरिटी वाले हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से वही ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपको 2 बार डालना है। तो ऊपर डाल दिया हमने, नीचे भी डाल देते हैं और सबमिट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा ट्रांजेक्शन पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुली हो चुके हैं। अब इसके बाद में हम दोस्तों फिर से यहाँ पर मैं आपको पूरी प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको फॉरगेट लॉगिन पिन करना है फिर से। तो जैसे लॉगिन पिन करोगे एंटर OTP करना है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वेरीफाई कर देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अभी जो हमने ट्रांजेक्शन ID जो पासवर्ड है वो रिसेट करा था वो यहाँ पर आपको डाल देना है और जो है फिर से यहाँ पर सबमिट कर देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो है अब नया पिन बनाने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर आपको 6 नंबर की जो है पिन बनाना है। तो यहाँ पर आप नीचे देख लीजिए इस प्रकार से पिन नहीं होने चाहिए, जैसे कंटिन्यू 1 2 3 या एक जैसे 888 या 1 2 3 4 5 6 ऐसे इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। पिन बिल्कुल डिफरेंस होना चाहिए। तो आप चाहे तो आपके जो है मोबाइल नंबर के शुरू के 6 नंबर या जो है लास्ट के 6 नंबर डाल सकते हैं, पर इस टाइप की सीरीज में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों बार सेम पासवर्ड डाल देना आपको नए वाले और सबमिट कर देना है। तो जैसे आप सबमिट कर देगा लॉगिन पिन यहाँ पर सेट सक्सेसफुली हो चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर मोबाइल नंबर डालना है, कस्टमर ID या यूज़र ID कुछ भी जो आपने बनाई थी वो डाल देना है। तो मोबाइल नंबर से यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं और उसके बाद में लॉगिन पिन जो अभी हमने बाद में रिसेट करें वो 6 नंबर के वो यहाँ पर डाल देना है। तो दोस्तों अगर अब जैसे दोनों चीज़ डल गई तो यहाँ पर लॉगिन करना है और अगर हमारा काम सभी सही होया हुआ तो जो है हमारा देखिए यहाँ पर हमारी ऐप सक्सेसफुली खुल चुकी है। और जो है एम पासबुक में जाकर अगर आपको स्टेटमेंट निकालना है तो यहाँ से स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। आपका अकाउंट वगैरह कुछ भी चेक करना होता तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 6 महीने का, साल भर का जितना भी आपको जो है स्टेटमेंट निकालना है यहाँ से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आज मैंने आपको बताया कि दोनों पासवर्ड जो है किस प्रकार से रिसेट कर सकते हैं। तो जो है लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड दोनों आपके पास, दोनों आप भूल गए हो तो सिर्फ आपको जो है मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।